खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते खंडवा जिले के नर्मदा नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक नारायण पटेल ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश शीर्ष के निर्देशानुसार मांधाता विधानसभा के पुनासा मंडल की कार्य समिति की बैठक नर्मदा नगर में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से विधायक नारायण पटेल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश डोंगरे, नरेंद्र सिंह तोमर, अरुण सिंह मुन्ना मंडल प्रभारी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन से की। मांधाता विधायक नारायण पटेल द्वारा अपने उद्बोधन में संगठन स्तरीय समिति, मंडल स्तर, ग्राम स्तर, बूथ स्तर समिति का निर्माण करना एवं समिति के कार्यों के बारे में बताया। साथ ही खंडवा लोकसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मैदान संभालने की अपील की गई। उसको हमारे हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए जो शासन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेके कोई तैयारी का वो नहीं है, ये संगठन की एक रचना है कि हमारे यहाँ पहले प्रदेश कार्य समिति होती है, उसके बाद जिले की कार्य समिति हुई, उसके बाद मंडल स्तर पर कार्य समिति होना है, तो इसी स्तर पर हो रही है और सब तैयार है। कार्यकर्ता हर समय प्रदेश स्तर के निर्देश पर, जिला स्तर के निर्देश पर हमारी मंडल कार्य समिति की बैठक मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में चारों मंडलों में कल से प्रतिदिन बैठकें चल रही है और ये बैठकें एक साधारण बैठक है और इस बैठक के माध्यम से हमको संगठन को मजबूत करना है और हमारे देश से और प्रदेश के मुखिया ने जो शासन स्तर से जो जितने भी योजना आई है वो इन हितग्राहियों को लाभ मिला कि नहीं मिला उसकी मॉनिटरिंग भी हमारा संगठन करेगा, हम लोग करेंगे। ये एक रूटीन बैठक है हमारी। गौरतलब है कि पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिसके चलते खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। खंडवा से विनोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।